सोलो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज चौधरी और आज के हम बात करेंगे स्पाइस मिली के नए वाले स्कीम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था कि स्पाइस मिली एक नया स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है लक्ष्य। तो मैंने वहां पर सारी चीज़ों को डिटेल बताया था, बट वहां पर काफ़ी लोग काफ़ी कन्फ्यूजन आ रहा था इस टास्क को कैसे जीतना, कैसे इसका अचीव करना है, क्या क्या यहाँ पर मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है, सारी चीज़ आपको वहाँ पर मैंने बता रखा था। बट उसके बाद भी काफ़ी लोग यहाँ पर डाउट आ रहा है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, उनको अपनी इम्प्लॉई के माध्यम से भी जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से बाई ऐप में PPT के माध्यम से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, यहाँ पर क्या क्या सवाल आपके मन में आते हैं और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर PPT के माध्यम से बिल्कुल हिंदी में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल चौधरी एसोसिएट। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर सबको देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर काफ़ी भाइयों ने देखा था और उसे बताया था कि यहाँ पर इस तरह की मेरे को समस्या रही, इस तरह की कन्फ्यूजन रही। तो मैं आज के वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आपको इस टास्क को जीतना है, यानी कि लक्ष्य वाले स्कीम को कैसे आपको प्राप्त करना है, कैसे आपको उसको जीतना है, वो सारा चीज़ बताने और साथ में आपको कैसे इसका अर्निंग इंक्रीज करना है इसके साथ में, वो भी सारा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहाँ आपको दिखाएंगे PPT के माध्यम से कैसे आपको इस वाली स्कीम में आपको अच्छा खासा अर्निंग करना है, साथ में इस वाली स्कीम को यानी कि लक्ष्य वाली स्कीम को कैसे आपको इसका विनर बनना है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, आपको लाइव दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने वाले जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही वाला स्कीम है जो कि हमने अगली वीडियो बता रखा था। तो आज की इस वीडियो में इसी स्कीम पे हम लोग चर्चा करने को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल ही बोर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सिंपल भाषा और हिंदी में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता कि मैंने पिछले वीडियो बताया तो वहाँ पर कुछ वर्ड इंग्लिश में थे, कुछ चीज़ें वहाँ पर इंग्लिश में दिखा रखी थी, इस कारण से आप समझ नहीं पा रहे थे। तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर हिंदी में आपको दिखाने वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस PPT में सारा कुछ हिंदी कर रखा है, तो हिंदी में आप देख सकते हैं। तो ये हमारा वही वाला स्कीम है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिकारी रिवार्ड स्कीम है और वहाँ पर कई जगह पर लिख के आ रहा था OND, यानी OND का मतलब था अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है अक्टूबर टू दिसंबर 2024, यानी कि एक स्कीम जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 3 महीने का स्कीम है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस और रिवार्ड का परफेक्ट कम्बो यहाँ पर है। तो ये कम्बो पैकेज इसके बारे में बताने वाला हूँ, काफ़ी लोग कन्फ्यूज जाएंगे तो मैं सारा चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपको ये तो पता ही होगा, मैंने उसे बता रखा था कि स्टार रेटर कौन होते हैं, प्लेटिनम कौन होते हैं, गोल्ड कौन होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता रखा। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा जाकर उस लोगों को देख सकते हैं, उसको देखने से ये फ़ायदा होने वाला है कि यहाँ पर जो आपको चीज़ें वो पार्टिकुलर जानकारी हो पाएगी। बाकी जो स्कीम में मैंने बताया वो आपको दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा और साथ में से कुछ कंडीशन है और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, वो भी मैं आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपना स्टार्ट पहले यहीं से कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर ले चलता हूँ, आपको वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो इसका परिचय देख सकते हैं रोमांचक, यहाँ पर आप एक बार दोबारा से मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ, ठीक है। और ताकि जिन लोग को नहीं हिंदी पढ़ने आएगा, काफ़ी लोग ऐसे भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो जिन स्टेट में हिंदी नहीं है तो अगर हिंदी वो समझ पाते हैं तो वो मेरी लैंग्वेज को समझ पाएंगे, मैं हिंदी बोलूँगा। काफ़ी लोग हिंदी पढ़ नहीं पाएंगे और जो लोग हिंदी पढ़ पाते वो पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं परिचय में रोमांचक लक्ष्य रिवार्ड की शुरुआत है। अधिकारी नगद जीतने का मौका पाने के लिए इसमें भाग ले सकते हैं, पुरस्कार और शानदार उपहार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले को गारंटीकृत पुरस्कार मिलेंगे और अधिक आश्चर्यजनक पुरस्कारों के लिए एक लकी ड्रा भी है। इंतजार ना करें, अभी हमारे साथ जुड़े और साथ मिलकर सफलता प्राप्त करें। तो कंपनी यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर गारंटीकृत पुरस्कार आपको मिलेगा और एक लकी ड्रा में आपको शामिल करने का भी मौका मिलेगा, जिसमें आप जुड़ के कंपनी के साथ भाग ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। पुरस्कार देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके मतलब पुरस्कार है वो देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग स्कीम बोल रहे थे। तो ये स्कीम उसका है, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए स्टार रिटेलर, मैं आपको यहाँ से नीचे से बताता हूँ। गोल्ड रिटेलर वो होता है जो 1 लाख से 2.5 लाख तक सबसे कम बिजनेस करता है, वो हमारी गोल्ड कैटेगरी में आ जाता है। और प्लेटिनम रिटेलर वो होता है जो महीने का 2.5 से लेकर 10 लाख का बिजनेस करता है, वो हमारा प्लेटिनम कैटेगरी में आता है। और जो 10 लाख से ऊपर का बिजनेस करता है वो हमारे स्टार कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इन तीन ही कैटेगरी के स्कीम वाले रिटेलर को ही मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उन्हीं को ये मतलब जो रिवार्ड से वही मिलने वाले हैं। बाकी अदरवाइज जिनका बिजनेस 1 लाख से डाउन होगा और वो पिछले बैक 3 मंथ में यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में अगर वो बिजनेस 1 लाख से कम होगा तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये आपको पहले कन्फ्यूजन आपको देख लेना और तो ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो आपने देख लिया
ये कैटेगरी मैंने बता दिया है। और यदि आप नए रिटेलर रत्नताल नए जुड़ना चाहते हैं, स्पाइस मिल्क से जुड़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा कोई भी एप्लीकेबल नहीं है कि आपको बैंक में पिछले महीने आपने क्या किया नहीं किया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन आपको 6 लाख प्लस का बिजनेस आपको करना बहुत ही कंपल्सरी है 3 महीने के अंदर अगर नए जुड़ते हैं तो। सेम उसी तरह जो रिटेलर सस्पेंड हो चुका है, बंद हो चुका है, वो अगर इस केस में या इस महीने में अगर अपनी आईडी को ओपन कराता है यानी पिन बैक होता है इस स्कीम में, तो वो भी उसको भी ऑफर होगा कि वो 6 लाख प्लस कर देगा, तो इसमें इलिजिबल हो जाएगा, उसका बैक मंथ का नहीं देखा जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बता देते हैं, यदि हम स्टार में आते हैं, फर्स्ट रैंक में आते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ ये जो स्कीम आप देखेंगे ना, तो ये स्कीम जो यहाँ पर है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ना, तो काफी लोगों को कन्फ्यूज होगा। यहाँ पर देखिए, पहले बात तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लोगों को यहाँ पर लकी ड्रा में 3 लोगों को होंडा साइन का बाइक यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, ये 3 लोगों को दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 लकी विनर को यहाँ पर गोल्ड वाउचर दिया जाएगा। ठीक है, और 300 विनर को यहाँ पर 3000 रुपये का यहाँ पर जैसे देते ना कैश इन वॉलेट, तो यहाँ पर 3000 रुपये का यानी 300 लोगों को अमेजोन वाउचर भी दिया जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टॉप 75 विनर को लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लकी विनर को गोल्ड वाउचर दिया जाएगा, 5 लकी विनर को यहाँ पर लैपटॉप दिया जाएगा, और 575 विनर को यहाँ पर 1500 रुपये का अमेजोन वाउचर दिया जाएगा। थर्ड में देख सकते हैं हम लोग गोल्ड वाले में, इसमें टॉप 250 लोगों को लिया जाएगा, जिसमें 3 लकी विनर को यहाँ पर 50 इंच का LED दिया जाएगा, और 5 लकी विनर को मोबाइल स्मार्टफोन दिया जाएगा, और 1000 लकी विनर्स को 500 रुपये कैशबैक के वॉलेट में दिया जाएगा। नीचे इसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्रैश रिवार्ड विल बी गेट क्रेडिट टू अधिकारी इन अधिकारी वैलेट, दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर अक्टूबर टू दिसंबर 2024, दी विनर विल बी अनाउंसड इन दी जनवरी 2025। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा हुआ है कि ये जो भी विनर होते हैं अक्टूबर से दिसंबर, वो उनका जो अनाउंसमेंट होगा वो जनवरी 2025 में होगा। आगे मैं सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला आगे भी, और इसका जो LED स्कीम वो देख सकते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट देख सकते हैं वो भी। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही सारा चीज़ आपको आगे भी मिलने वाला है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने हैं किस प्रकार काम करता है, जो जो सवाल आएंगे वो सारा यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है। बिल्कुल हिंदी में, कोई भी यहाँ पर बोर वाली चीज़ नहीं है, आपको आसान से वीडियो को बने रहना है, वीडियो को पूरा कंप्लीट है, ताकि आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल सके। यहाँ पर जैसे किस प्रकार काम करता है, पंजीकरण का प्रकार देख सकते हैं। इस योजना में भाग लेने के लिए SME को पंजीकरण करना होगा लक्ष्य को। ठीक है, तो SME रिटेलर भाई को बोलते हैं, जो हमारे अधिकारी उन्हीं को SME बोला जाता है हमारी भाषा में। तो इसमें बताया गया है जो पंजीकरण करना, इस योजना में भाग लेने के लिए आपको SME को पंजीकृत करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, यहाँ पर पात्र स्तर में SME को लक्ष्य प्राप्त होंगे, यानी कि जो इसके पात्र उन्हीं को लक्ष्य प्राप्त है। योग्यता हम लोग देख सकते हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करना या उससे अधिक प्राप्त करना SME को पुरस्कार के लिए योग्य बनाता है। मतलब इसमें योग्यता पाने के लिए आप उस स्कीम को मतलब अचीव किया, उससे अधिक का अचीवमेंट कीजिए, तब आप इस पुरस्कार के योग्य बन सकते हैं। यहाँ पर भाग्यशाली जो हमने बता रखा था, यानी कि लकी ड्रा बोल रखा था। ठीक है, काफी लोग को हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो मैं आपको दोबारा से, ये जो लकी ड्रा वाला स्कीम था, तो इसमें योग्यता देख सकते हैं, सभी योग्य SME पुरस्कार के लिए लकी ड्रा में भाग लेंगे। ठीक है, तो कब लेंगे, जब सारा चीज वो क्लियर कर लेंगे तब। यहाँ पर शीर्ष कलाकार देख सकते हैं, प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष SME को गारंटी उपहार वाउचर प्राप्त होंगे, यानी कि जो भी प्रत्येक SME यानी हर अधिकारी को गारंटीड उपहार यहाँ पर दिया जाने वाला है। अब इसके नियम और शर्त जान लेते हैं, जिसे हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन ही बोलते हैं। एक बार हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए हमने इसे जूम कर लिया। नियम और शर्त इसके देखते हैं, रिवार्ड केवल कैश आउट प्लस DMT व्यवसाय पर ही लागू है, जिसे हम लोग AEPS MATM आधार पे और DMT पर ही हम लोग इसे मान्य करने वाले हैं। अदरवाइज कोई और भी बिजनेस करेंगे आईडी में, तो वो इस वाली स्कीम में काउंट नहीं होने वाला है। केवल इन चार चीजों का बिजनेस ही आपको इस स्कीम में काउंट होगा। AEPS करेंगे वो भी काउंट होगा, ATM से पैसा वो भी काउंट होगा, आधार पे वो भी होगा, DMT से आप DMT करेंगे वो भी पैसा यहाँ पर काउंट होने वाला है। इस योजना यह योजना अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक लागू है, और विजेताओं की जो घोषणा जनवरी 2025 में की जाएगी। ठीक है, अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकारी को अपनी चुनी हुई श्रेणी के अनुसार लगातार कारोबार करना होगा। स्टार श्रेणी मानसिक, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि अपने श्रेणी के अनुसार आपको लगातार बिजनेस करना है, और उससे अधिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्टार श्रेणी का जो मानसिक 10 लाख या उससे अधिक कारोबार होना चाहिए। प्लेटिनम श्रेणी देख सकते हैं, 2.5 लाख से 10 लाख रुपए तक का व्यवसाय। ठीक है, और गोल्ड श्रेणी जो है 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का व्यवसाय होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया।
और एक श्रेणी में नामांकित SMA को निम्न श्रेणी में डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता, हालांकि उस स्लैब में अपग्रेड स्वीकार है। अब इसका लुक क्या समझेगी, यहाँ पर कंपनी ये कह रहा है कि जो भी नामांकित SMA है वो डाउनग्रेड यानी कि डाउन नहीं जा सकते। जो भी उनका श्रेणी है, एग्जाम्पल के अगर उनका गोल्ड वाला श्रेणी है 1 से 2.5 लाख वाला, तो वो 1 लाख से डाउन नहीं जा सकते, वो प्लस जा सकते हैं, 2.5 से वो 10 जा सकते हैं, 10 से वो 11 भी जा सकते हैं, वो स्लैब में माना जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा। लेकिन अगर डाउनग्रेड चले गए कि आप 1 से 2.5 वाले में और 1 से भी नीचे चले गए तो आपको इस स्कीम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, यानी हटा दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे, अब इसके यहाँ पर कुछ प्रश्न आते हैं जो आपके मन में आते हैं, वहाँ पर इसके आंसर भी दिए जाएंगे, नीचे आंसर भी मैंने यहाँ पर लगा रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्य रिवार्ड प्रोग्राम क्या है, काफ़ी लोगों में सवाल आता है। तो लक्ष्य पुरस्कार कार्यक्रम एक पहल है जो अधिकारियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए नगद पुरस्कार, शानदार उपहार और शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को विशेष प्रोत्साहन के साथ पुरस्कृत करने के लिए तैयार की गई है, ठीक है, आपने इसका आंसर देख लिया। दूसरा, मैं इस कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकता हूँ, ये भी सवाल काफी लोग के मन में आता है। भाग लेने के लिए आपको कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण करने के बाद, ठीक है, पंजीकरण के बाद आपको निश्चित अवधि के लिए अपने कैश आउट और DMT लक्ष्य प्राप्त होंगे, मतलब जो भी आपकी अवधि है उस अवधि के बीच में आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 3 देख सकते, कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड क्या है, ठीक है, तो सभी SMA पात्र है, ऐसा कुछ नहीं है, कार्यक्रम के लिए सही SMA पात्र यहाँ पर है, बशर्ते नामांकन सही श्रेणी में किया गया हो और लक्ष्य स्वीकार किए गए हो। नए SMA के लिए भी नामांकन अनिवार्य है, हालांकि श्रेणी को बिना किसी प्रतिबंध के चुना जा सकता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यहाँ पर सारे SMA पात्र रहेंगे, पर उनका जो नामांकन है वो सही श्रेणी में होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब जो भी उनका टारगेट हो वो टारगेट उनको फिलअप करना है। उनका लिंक अभी लाइव हो चुका है, यानी कि एक्टिवेट है, उस पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पर अपना सही आपको डालना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसलिए लिंक नहीं लगा रखा था कि लिंक अगर मैं लगा देता हूँ तो काफ़ी लोग जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहाँ पर अपना जो है वो टारगेट उनको नहीं पता, वो अपना गलत टारगेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एम्प्लॉय से कॉन्टेक्ट कर अपना टारगेट पता करना होगा, तभी जाकर आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लिंक लगा दूंगा, बट आपको फिलअप नहीं करना है, अपने इसमें से कॉन्टेक्ट करके अपना टारगेट जानने के बाद ही करना है। अगर आप ज़्यादा कर दे तो आपके लिए बहुत ही बेटर है, अगर आप कहीं कम हो गए तो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। चलिए हम चौथे प्रश्न हम लोग चलते थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। तो चौथा जो हमारा प्रश्न, कार्यक्रम कब चलाया जाता है, तो लक्ष्य पुरस्कार कार्यक्रम जो है अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक चलेगा और विजेताओं की घोषणा जो है वो जनवरी 2025 में की जाएगी। ये भी आंसर आपका मिल गया। अभी हम लोग यहाँ पर यहाँ कुछ देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक मिनट, जैसा कि आप, मुझे कैसे पता चले कि मैंने पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है, ये सही सवाल है, काफी लोग के मन में ये भी सवाल आ रहा था। मैंने देखा अगर हम इस मतलब स्कीम में अगर हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं या हम लोग विनर हो जाते हैं तो कैसे हमें जानकारी हुआ, ये सवाल आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, आप अपने कैश आउट लक्ष्य को प्राप्त करने या उससे अधिक करने में अपने प्रदर्शन के अनुसार पर पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं तो आपको सूचित किया जाए, यानी कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा लाइव, आपको सभी लोग के साथ, यानी कि जो भी हमारे जितने भी स्पाइस मनी के अधिकारी है सभी के बीच लाइव यहाँ पर टास्क किया जाता है, विनर बताया जाता है कौन विनर हो रहा है, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या मेरे द्वारा जीते जाने वाले पुरस्कारों की संख्या की कोई सीमा है, ठीक है, यहाँ पर सीमा पूछ रहा है। हालांकि लक्की ड्रा में प्रविष्टियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है और विशिष्ट पुरस्कार प्रदर्शन श्रेणी और उपलब्ध पुरस्कारों पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेरे द्वारा जो जीते जाने वाले पुरस्कार है उनकी कोई सीमा है, तो यहाँ पर उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लक्की ड्रा में आपकी जो संख्या वो बताई उसी के अनुसार मिलने वाला, लक्की ड्रा में 3 बताया तो 3 लोग को केवल दिया जाएगा और बाकी का वो अलग अलग है। यहाँ पर यदि मैं अपने कैश आउट और DMT लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया तो क्या हुआ, ये भी सवाल काफी लोगों के मन में आ रहा था। जैसा कि मैंने मार्केट में देखा था, कई लोगों ने कहा कि अगर नहीं कर पाते तो क्या इसमें मेरा कोई हानि होने वाला है, तो उसका भी आंसर आप देख सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करते तो आपको लक्की ड्रा गारंटीकृत पुरस्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, जैसे आप बिजनेस कर रहे थे वैसे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर करते हैं तो आप अच्छा खासा यहाँ पर इनाम जीत पाएंगे, हो सकता है आप बाइक भी जीत सकते, हो सकता है आप लैपटॉप भी जीत, हो सकता है मोबाइल भी है, ऐसे कुछ भी जीत सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए लक्की ड्रा कब होगा, यहाँ पर ये सवाल है।
पाकिस्तानी विजेताओं की घोषणा जनवरी 2025 के महीने में सुनिश्चित उपहारों के साथ की, यानी कि उपहार के साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये कुछ थे क्वेश्चन एंड आंसर जिसका मैंने यहाँ पर जवाब दे दिया। अभी भी किसी को कोई डाउट लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकता है, ठीक है, इसका फोटो खींच कर रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जैसा कि बताया था कि आप इस स्कीम के साथ साथ कैसे अपने अर्निंग को भी बढ़ा सकते हैं, अपना अर्निंग इंक्रीज भी कर सकते हैं, मैंने उसका भी सवाल किया था, तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम आपके लिए आया हुआ है। चलिए दूसरा वाले पीपीटी पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते, हमारा दूसरा पीपीटी है जो कि कैश आउट और नया वीआईपी संस्करण, यहाँ पर नया वीआईपी वेरिएंट है, ठीक है। तो इसे भी हमने हिंदी वर्जन में कन्वर्ट कर रखा ताकि काफी लोग को दिक्कत ना हो और समझने में आसानी हो। अभी यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि अभी यहाँ पर और भी कई प्रकार के वीआईपी प्लान थे, तो प्रतिस्पर्धा का मुलाकात करने और वीआईपी संख्या को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न आधिकारिक समूहों के लिए नए वीआईपी वेरिएंट का प्रस्ताव करना चाहते हैं, ठीक है। वीआईपी के नए वेरिएंट दे सकते हैं, साथ में यहाँ पर एमआरपी वैधता और यहाँ पर जो भी इसकी टिप्पणी है, ठीक है। यहाँ पर नया प्लान देख सकते हैं 2199 का जो 3 महीने का है, नया स्कीम लॉन्च हुआ, इसका मतलब नया मूल बिंदु थी, नया प्लान लॉन्च हुआ है, ठीक है। 3499 का है यानी कि 3506 महीने का है, तो इसका जो मूल है बिंदु है वो ये भी नया है। और जो 9999 12 महीने का, तो इसके पहले ये प्लान था, बट इसको अगर आप अपग्रेड करते यानी कि करेंगे तो मौजूदा प्लान के साथ ये अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसे महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते, उसके बाद यहाँ पर हम इसको भी समझने वाले हैं। देखिए वितरक कमीशन कोई बदला परिवर्तन नहीं होगा, यदि कोई डिस्ट्रो भाई हमारा इस वीडियो को देखा तो उसके प्लान में या उसके कमीशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला। यदि हमारा स्पाइस मनी का जो अधिकारी है इस प्लान को लेता है तो डिस्ट्रो को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अन्य वीआईपी वेरिएंट या लाभ में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अगर अन्य कोई आप चला रहे हैं तो उसमें कोई अपन इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अपग्रेड मौजूदा तर्क के अनुसार काम करेगा, क्योंकि हम अनुमान लगा सकते हैं कि एसएमए यानी कि अधिकारी 1499 से 2199 तक अपग्रेड हो जाएगा। और इसी तरह मतलब कहने का मतलब यह है कि कंपनी का अनुमान है जो हमारे 1499 वाले जो 3 महीने का स्कीम चलाते हैं वो 2199 में अपग्रेड हो सकते हैं, उनका ऐसा अनुमान है अगर उनको बिजनेस दिया जाए तो। वीआईपी देख सकते हैं 9999 वेरिएंट जो था वो मौजूदा मूल्य बिंदु, लेकिन एपीएस एमएटी लाभ में परिवर्तन, शेष लाभ जारी रहेंगे। अगर आप 9999 वाले प्लान में इसको अपग्रेड करेंगे तो आपके सारे के सारे प्लान वही रहेंगे, बाकी यहाँ पर जो एपीएस एटीएम में परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मेन हमारा तात्पर्य है वो एपीएस एटीएम को लेकर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ अगर इसका वो देख लेते हैं, कमीशन स्लैब देख लेते हैं। ये मौजूदा आयोग है जो कि पुराना था, ये उद्दत यानी कि जिसे हम लोग बोल सकते हैं न्यू वेरिएंट यानी कि नया स्कीम, और ये एग्जिस्टिंग, ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये एग्जिस्टिंग है और ये आपका न्यू वेरिएंट है जो आया हुआ है। तो जैसा कि स्कीम देख सकते हैं 1 रुपए से 99 तक 0 है, 200 से लेकर 499 तक दोनों में 1 रुपए है, 500 से लेकर 999 तक दोनों में 1.5 रुपए है, और सभी में सेम देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 1000 वाले में 2 रुपए है, 1500 में 4 रुपए है, 2000 में 5 रुपए, और 2500 प्लस जाएंगे तो 8 रुपए, और 3000 प्लस जैसे ही जाएंगे 3000 से लेकर 7999 के बीच पुरानी स्कीम में 10 रुपए था, बट यहाँ पर आपको 14 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, यानी कि 4 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और 8 से 10 के बीच 15 रुपए मिली है, 3 महीने की स्कीम है। यदि आप 2199 का लेते हैं तो आपको मान के चलिए 2400 रुपए का पर डे का आपका जो कॉस्टिंग आएगा, ठीक है, और 3499 का लेते हैं 6 मंथ का, तो यहाँ पर 1900 रुपए का कॉस्टिंग आने वाला है। एग्जाम्पल मैं बात करूँगा, दिन में अगर एक भी कस्टमर का विड्रॉ कर देते हैं, 2 भी कस्टमर का विड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या है, उस दिन का जो खर्च है वो निकल जाना, बाकी का जो पैसा आपका वो पूरा आपका इनकम माना जाएगा। तो यकीनन मानिए अगर आपका बिजनेस अच्छा खाता है तो आपका बिल्कुल भी लाभ नहीं होने वाला है, आपका ये अमाउंट भी निकल जाएगा। और ये 3 महीने का स्कीम है, इन 3 महीनों में आप स्कीम को अचीव भी कर पाओगे, साथ में आप अच्छा खासा अर्निंग भी करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है कि आपको आपको स्कीम में क्वालिफाई होना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करिए और उसी ट्रांजेक्शन के बेस पे आपको यहाँ पर क्या है अर्निंग भी हो जाने वाला है। आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा लॉस है, बट आपको यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला अगर आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ट्रांजेक्शन ही नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर बेनिफिट कहाँ होने वाला है। जैसा कि आप जैसे कैश आउट और नया वी आई पी संस्करण का हम लोग कुछ यहाँ पर डेमो भी देख लेते हैं, तो एक बार से हम लोग जूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 मिनट जूम कर लेते हैं हम लोग। चलिए हमने इसे जूम कर लिया है, अभी आपको इसका जो वेरिएंट है वो आपको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंट्रोडक्शन आएगा, आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना है, राइट साइड में आपको मोर का ऑप्शन, मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में आपको जाना है स्पाइस वीआईपी,
ठीक है, वीआईपी प्लान के बारे में जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ पर वीआईपी अधिकारी यदि पहले से कोई प्लान एक्टिवेट हो तो यहाँ पर उसका टाइम कब एक्सपायर होने वाला, कितना अर्निंग वो शो कर देगा। बेसिक में अलग है, एडवांस में अलग है, वीआईपी में अलग है। तो आपको एडवांस में ना, एडवांस में जैसा कि देख सकते 2199 का है, तो यहाँ पर केवल आपको एईपीएससीटी वाला स्कीम मिलेगा, बाकी सब यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। वही चीज़ अगर आप 3499 का लेते हैं तो यहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा। एईपीएस में तो कमीशन बढ़ेगा, साथ में डीएमटी में भी आपका डिस्काउंट मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग 3 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाकी कोई भी डिवाइस अगर परचेज करते हैं तो आप पर 1200 रुपये तक ऑफ होने वाला है, साथ में पर फ्री वॉइस कॉल आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो इस तरह का स्कीम है, इसमें आपको वही 14 रुपये पड़ जाएगा। तो बस आपको यही दिखाना था, साथ में अपन नीचे कैलकुलेटर का ऑप्शन में यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ आपको बता दूँ, काफ़ी ऐसे भी रिटेलर जो कि बहुत पहले से ही काफ़ी लंबा प्लान लेकर रखे बैठे हुए हैं, वो बड़ा वाला प्लान लेकर बैठ चुके हुए, मतलब 5000 रुपये वाला, तो वो अगर इस प्लान में अगर जुड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपग्रेड कर पाएंगे। जितना टाइम उनका बचा रहेगा तो उतने टाइम का उनका जो अमाउंट है वो माइनस करके इस वाले प्लान से माइनस कर दिया। जिस टाइम पर मैं बात करूँगा 3499 का प्लान ले रहे हैं, और कोई प्लान आपका पहले से है अगर 5000 का आपने 1 साल का ले रखा हुआ, अगर वो 6 मंथ हो चुका हुआ, तो बाकी जो पैसा 2500 रुपया जो भी उसका अमाउंट होता है वो आपको इसमें से वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। जब करने जाएंगे वीकम वीआईपी अधिकारी, वो तो कैलकुलेट के बता देगा इतना कॉस्टिंग आ रहा है, इतना आपका ऑफ किया जा रहा है। तो आप करके तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कोई प्लान लेके पहले चला रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि वो आपका खत्म हो जाएगा, उसका पैसा बल्कि से माइनस हो जाने वाला, ये चीज़ को ध्यान रखना है। बट एक रिटेलर का जो है, जिन लोगों ने मतलब एक तरीके से जो ऐप पे 4999 के साथ एक प्लान आ रहा था, जिसमें आपको वीआईपी प्लान भी साथ में आपको यहाँ पर मंत्रा डिवाइस भी दिया गया, तो उस वाले उनका यहाँ पर अपग्रेड नहीं होने वाला है। बाकी जो भी लोग मतलब अलग से प्लान लेकर बैठे हुए, उन सभी का, चाहे वो 1099 का हो या 1499 का हो या 2799 का हो या 9999 का क्यों ना हो, सभी प्लान इन पे जब ये अप्लाई करेंगे या कोई प्लान अप्लाई करेंगे प्लान, तो उसका जो पैसा वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है। तो बस आपको यही दो चीज़ें बताना था, और उस वीडियो में तो बता ही रखा है, तो दोनों वीडियो को आपको देख लेना है और बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपको कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूज तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको जानकारी मिलता रहे, और मिलते किसी एक और नई वीडियो के साथ ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। बाकी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।